Hi students, so there is an important circular for you for the students of class 10th and 12th. The circular has been issued by CBSE on 6th November 2021 and this is pertaining to your board exams, that is your first term board exams. So you already know that aapka board exam do terms mein conduct hoga, is for term 1 and term 2. Date sheet is already out. एंड सीबीएसई का ये सर्कुलर अब हम एनालाइज करते हैं. सो एज पर द सर्कुलर 17th नवंबर से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे एंड 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे 16th नवंबर से. अब सीबीएसई के पास 114 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 में एंड 75 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th में. दैट मीन्स टोटल 189 सब्जेक्ट्स हैं जो सीबीएसई ऑफर करता है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को. इन सब का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई को अराउंड 45 टू 50 डेज चाहिए, विच इज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स. अब ये 2 महीने सीबीएसई नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का स्टडी लॉस हो, लेसन्स लॉस हो. सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग की है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th के जो सभी स्कूल्स या ज्यादातर स्कूल प्रोवाइड करते हैं. वो क्या सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी कोर्स ए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होम साइंस, हिंदी कोर्स बी साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स बेसिक. सो सिमिलरली क्लास 12th के भी उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेग्रीगेट किए हैं जो ज्यादातर स्कूल्स ऑफर करते हैं. वो है हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कोर एंड हिंदी कोर. अब सीबीएसई क्या बोलता है कि इनकी जो डेट शीट होगी वो डेट शीट सारे स्कूल्स में, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, कंट्री से बाहर स्कूल्स हैं, सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, उनकी एक डेट शीट कॉमन फिक्स होगी जो सीबीएसई फिक्स करेगा. वो डेट शीट आपके पास आ भी गई है. अब इसके सिवा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सीबीएसई के हिसाब से कुछ ही स्कूल्स ऑफर करते हैं, ये सब्जेक्ट लिस्ट बहुत लंबी है, मैं पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ूंगी टू मेक द वीडियो शॉर्ट. सो क्लास 10th के ये सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं. सिमिलरली आप इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये स्किल सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली. मल्टीमीडिया, अपैरल, हेल्थ केयर, पेंटिंग. सो ये सब्जेक्ट्स को सीबीएसई ने कैटेगरी में रखा है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कम स्कूल्स ऑफर करते हैं. ये तो क्लास 10th की बात होगी. अब क्लास 12th के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत कम स्कूल्स ऑफर करते हैं. आप फिर दोबारा से देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, देन स्पेनिश, कश्मीरी, भूटिया, जापानीज, काफी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस, स्कल्पचर, ग्राफिक, ऑटोमोटिव, वेब एप्लीकेशन, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर. सो ये स्कूल्स, इनके लिए सीबीएसई ने बोला है कि ये इन सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुप्स बनाने के बाद ये इस तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे कि मिनिमम टाइम में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए और 2-3 महीने ना लगे, सो दैट आपकी स्टडीज लॉस ना हो. कैसे ग्रुपिंग होगी, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएंगे कि ओवरलैपिंग ना हो एग्जाम्स की. सपोजिंग एक ही अगर स्टूडेंट रीजनल लैंग्वेज ले सकता है तो उस दिन रीजनल लैंग्वेज, 2-3 रीजनल लैंग्वेजेस के एग्जाम हो सकते हैं ताकि क्लैशेस ना हो. इसके सिवा जो इन्होंने इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स दिए हैं वो आपको पता है, मैं फिर भी रिवाइज कर देती हूँ कि 90 मिनट्स एग्जाम ड्यूरेशन है आपका. 11:30 आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा बिकॉज अभी विंटर्स हैं. पहले जनरली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 10:30 स्टार्ट होते थे, पर वो मार्च में होते थे जब समर्स आने वाले होते थे. और रीडिंग टाइम इस बार आपको 20 मिनट्स मिलेगा, पहले 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिला करता था. अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए क्या डिस्काउंट है, हम पहले सीबीएसई 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देता था 1 आवर पेपर के लिए. अभी बिकॉज पेपर 90 मिनट्स का है तो आपको 30 मिनट्स एडिशनल टाइम मिलेगा. एंड हर सेंटर पर
स्क्राइब्स रेडी होंगे, स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटी है, अगर उनको अलाउड है स्क्राइब लेना तो आपको स्क्राइब प्रोवाइड किए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट स्क्राइब का पार्ट करेंगे या स्क्राइब की ड्यूटी करेंगे, उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा जिसमें उसके एफर्ट्स और उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया जाएगा। प्रैक्टिकल्स का आपके स्कूल्स ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया होगा, 5 जुलाई का CBSE का सर्कुलर था, एंड जिस दिन आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा उसी दिन CBSE के पोर्टल पर स्कूल्स को आपके प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल मार्क्स अपलोड करने होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्म वन प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए CBSE कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं करेगा, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वही आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट कंडक्ट करेंगे, एंड स्कूल्स अपनी ही आंसर बुक्स को यूज करेंगे और उनको प्रिजर्व किया जाएगा, सेफली रखा जाएगा, सो दैट इफ इट इज नीडेड वो बाद में रेफर की जा सकती हैं। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो CBSE फिक्स करेगा, आपको एज यूजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अपने स्कूल से कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाला है। इसके सिवा CBSE जो है ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेगा, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स होंगे और वो एग्जामिनेशन सेंटर पर आकर इंश्योर करेंगे कि एग्जाम्स ठीक ठाक से कंडक्ट किया जा रहा है। आपकी OMR शीट CBSE सप्लाई करेगा, स्कूल्स को OMR की सॉफ्ट कॉपीज आ जाएंगी, एंड उसके बाद स्कूल्स जो हैं OMR शीट्स का प्रिंट लेके OMR शीट स्टूडेंट्स को देंगे टू राइट देयर आंसर्स। अगर आपको एग्जाम्स के टाइम में रफ शीट की रिक्वायरमेंट है तो रफ शीट आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, आप OMR शीट पर कोई भी रफ वर्क नहीं करेंगे। अगेन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कि आपके रोल नंबर्स 9 नवंबर को CBSE वेबसाइट्स पर अपलोड कर देगा, एंड आपके स्कूल्स लॉगिन करके आपके रोल नंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, एंड आपको रोल नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे फ्रॉम 9 नवंबर ऑनवर्ड्स। So I hope this circular is of help to you. Please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also. And all the best for your exams.